ओम शांति। शुभम एक कंपनी में, आईटी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर, उसकी बहुत अच्छी मेहनत, उस मेहनत के आधार से उसका प्रमोशन हो गया। और अच्छा, उसका स्वभाव ये था, उसकी टीम मेंबर्स को सबको हेल्प करता था, कंपनी में वो औरों को भी हेल्प करता था। कोई भी उसको कोई भी प्रॉब्लम पूछे, वो फट से अपना काम छोड़कर उन्हें मदद करता था, और इसलिए उसका रेपो बहुत अच्छा था। अच्छा, अपने फ्रेंड्स को भी वो बहुत अच्छी तरह से सलाह देता था, मदद करता था। उसका हार्ट बहुत अच्छा था, दिल बड़ी सच्ची थी। लेकिन उसने ऑब्जर्व किया, आई एम हार्ड वर्कर, आई एम स्मार्ट, आई एम वेरी कोऑपरेटिव, मेरा मन शुभ भावनाओं से भरा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन ये क्या, मैं नए नए रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन रिश्ते जुड़ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हाय और हेलो वाले रिश्ते रह जाते, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंडशिप बननी चाहिए वो नहीं बन रही है। अच्छा, जो पीछे वाले जो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, जिन्हें मैं भी बेस्ट फ्रेंड समझता था, वो भी समझते थे, आज तो वो मेरे से दूर जा रहे हैं। आज मेरी और उनकी फ्रेंडशिप बहुत छोटी सी रह गई है। सोचने लगा, क्या गलती है। फिर उसको किसी ने बताया, अरे शुभम, क्यों नहीं आप जस्ट अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हो, अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करो, ऐसी कौन सी बात है, आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज है लेकिन रिश्ते आपसे क्यों नहीं जुट रहे हैं, क्यों वो आपसे दूर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मिसिंग लिंक जरूर है, कौन सी है। शुभम को कुछ पॉइंट्स दिए गए, चलो हम भी उन पॉइंट्स को चेक करें। नंबर वन, फेल्यूर। फेल्यूर जीवन की आज तक की यात्रा में, मैं कहां फेल हुआ। अच्छा, किसकी गलती थी, मेरी गलती थी या उनकी गलती थी। थर्ड, मेरी जो गलती थी उस गलती के कारण कौन सा नुकसान मुझे मिला। फोर्थ, क्या मैं अपनी गलती को इम्प्रूव कर सकता हूं। यस। सेकंड था, और वो था विक्ट्रीज, अपनी विजय को चेक करना। आज तक की यात्रा में मुझे जो कुछ मिला है, सफलता मिली है, वो कौन से मौके थे जब मुझे सफलता मिले। दूसरा, उन सफलताओं का आधार मेरी कौन सी विशेषता थी, मेरे कौन से गुण थे। तीसरा, क्या मैं इन विशेषताओं को, इन गुणों को भविष्य के लिए भी यूज कर सकता हूं। चौथा, क्या ये गुण मेरे रिश्तों को जोड़ने में सहायकारी होंगे। और एक अच्छी बात, कॉन्फ्लिक्ट, मेरा जो पिछला रिश्ता छूटा उसमें कौन सी बात हुई जिस कारण ये रिश्ता छूटा या टूटा। सेकंड, गलती किसकी थी, मेरी कौन सी गलती थी।
फोर्थ, क्या मैं अपनी गलती को इंप्रूव कर सकता हूं? लास्ट पॉइंट रिफ्लेक्शन की, बिहेवियर, अपना स्वभाव, मेरा कौन सा स्वभाव है जिस कारण से कई बार मैं खुद परेशान रहता हूं, या कई बार फ्रेंड सर्कल या फैमिली भी कहते हैं आप अपने इस स्वभाव को बदलो? थर्ड, स्वभाव में कौन से गुण लाने से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे? एंड लास्ट, क्या मैं अपने स्वभाव को आज से बदल सकता हूं? सिंपल, चार पॉइंट्स, फेल्यूर, असफलता, सफलता, संघर्ष, स्वभाव, चारों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से हम भी रिफ्लेक्ट करें और सचमुच हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। क्या होगा, स्व परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, संस्कार परिवर्तन से हमारे रिश्तों का परिवर्तन, संबंधों का परिवर्तन हो जाएगा, और जब हम अपने अंदर गुणों को धारण करेंगे, कमियों को हटाएंगे, तो ऑटोमेटिक नए नए रिश्ते जिनसे हमारी पहचान हो रही है वो जुटते जाएंगे, टूटने वाले रिश्ते भी वापस जुटेंगे, क्योंकि हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। चलो ना, स्व को परिवर्तन करने की प्रक्रिया को शुरू करें, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को निकालते जाएंगे तभी तो गुण और विशेषता उस स्थान पर आ जाएगी और हम लोकप्रिय बन जाएंगे। हैव अ लवली डे। ओम शांति।